लॉकडाउन पार्ट टू का आगाज हो चुका है। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद अब 19 दिन के लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 3 मई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन पार्ट टू के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जो कि बेहद ही सख्त है। मास्क न लगाना और थूकना बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। क्या पाबंदियां हैं, क्या है रियायत, देखिए इस रिपोर्ट में। आप देश की खातिर एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं आप सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई कर दी गई है, यानी अब देश 3 मई तक बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह 10 बजे लॉकडाउन 2.0 की घोषणा करते हुए जनता का लॉकडाउन 1 में दिए गए सहयोग के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने कोरोना वायरस को लेकर समय रहते कई बड़े फैसले लिए, तभी आज कई देशों के मुकाबले यहाँ की स्थिति बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बेहतरीन विकल्प है। पीएम ने कहा था कि 21 दिन के लॉकडाउन से पहले देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 500 था, जो अब बढ़कर 10,000 के करीब पहुँच गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के भारत में दस्तक देने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। नतीजा, देश में आज हालात काबू में हैं। साथियों, जब हमारे यहाँ कोरोना के सिर्फ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया। प्रधानमंत्री के लॉकडाउन 2.0 के ऐलान के साथ ही नए लॉकडाउन के लिए क्या गाइडलाइन रहेगी, इस पर सभी की नजरें टिक गई थी। और अब गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पार्ट टू को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में क्या ऐसी खास बातें हैं जिनका उल्लंघन बेहद ही भारी पड़ सकता है, किन बातों का खास ख्याल रखना है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉकडाउन पर जो गाइडलाइन आई है वे बेहद ही सख्त है, और ये गाइडलाइन गृह मंत्रालय ने जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत अब सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है। यहाँ तक कि थूकना बहुत भारी पड़ सकता है, थूकने पर जुर्माना भी लगेगा। लेकिन जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे उन्हें रियायत मिल सकती है, इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी। इस समीक्षा के बाद कुछ इलाकों में मामूली रियायत दी जा सकती है। रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे, ताकि ऑफिस, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि लॉकडाउन पार्ट टू में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। लॉकडाउन टू के लिए जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक कृषि से जुड़े कामों को रियायत दी गई है। वैसे तो सभी तरह के परिवहन पर रोक लगाई गई है, लेकिन ट्रेन और बसों में कोरोना वॉरियर्स की आवाजाही को अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य सेवाएं यानी पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, केमिस्ट और मेडिकल लैब खुले रहेंगे। इसके अलावा बैंकिंग सेवाओं और एटीएम सर्विस को भी रियायत दी गई है। एलपीजी और पेट्रोल डीजल की सप्लाई जारी रहेगी। वैसे तो गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है, लेकिन इमरजेंसी के तहत बाहर निकलने पर 4 पहिया वाहनों पर सिर्फ 2 को
और दो पहिया वाहनों में सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक ही सवार हो सकता है। इसका उल्लंघन होने पर जुर्माना भी लग सकता है। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। साथ ही कंबाइन के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। अब ये भी जान लेते हैं कि लॉकडाउन 2.0 में क्या क्या बंद रहेगा। सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी। इस दौरान हवाई सेवा पर भी रोक रहेगी। बस, मेट्रो, ट्रेन सफर पर रोक जारी रहेगी। साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में भी नहीं जा सकेंगे। एक जिले से दूसरे जिले में भी जाने की मंजूरी नहीं है। सभी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सभी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल और सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। राजनीतिक और खेल आयोजनों पर भी रोक रहेगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, यहाँ तक कि हर तरह के इवेंट पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग एक साथ शामिल नहीं हो सकेंगे। बात हॉटस्पॉट इलाकों की करें तो कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलीवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा। आपको बता दें कि कोरोना मुक्त इलाकों में ये छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को लॉकडाउन पार्ट 1 में जनता के सहयोग की तारीफ करते हुए पार्ट 2 में भी सहयोग देने की अपील की थी और 21 दिन से लॉकडाउन से बंद पड़े काम धंधों को सरकार ने अगले 19 दिनों के लिए इस गाइडलाइन के जरिए राहत देने की कोशिश की है, जो कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेशनल टाइम्स, टोटल न्यूज़।